इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका दोस्त, आपका भाई आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चन पेपर बना रहा है। यूपी वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही आप बिहार वालों के लिए, एमपी वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये गलती आप करते, लेकिन मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। कुछ बात है, आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 1 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाता है बिहार बोर्ड वालों का, और बाकी बोर्ड वालों का 10 से 12 फरवरी के बीच से स्टार्ट हो जाता है। बस 5-10 दिन का ही फर्क होता है। फरवरी से तो सबका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होना ही है, तो कुल मिला के 4 महीने आपको अभी दिख रहे होंगे कि मेरे पास अभी 4 महीने हैं, लेकिन यकीन मानो आपके पास 4 महीने भी नहीं है, आपके पास सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं, सिर्फ 2.5 महीने। आप कहोगे सर सर सटिया गए हो क्या, क्या बोल रहे हो, ये सब फैक्ट सुनो। क्योंकि इन 4 महीनों में अभी ठंड का सीजन आने वाला है, कई सारे फेस्टिवल अभी आने वाले हैं, क्योंकि हम इंसान है, हमारे लिए हर चीज़ मैटर करती है। आप शादी में जाओगे, शादी का सीजन आने वाला है, आप फेस्टिवल अटेंड करोगे, कई सारे फेस्टिवल्स होंगे बीच में, कई सारे, इतनी ठंड पड़ेगी, फिर कई सारे आप कभी कभी बीमार भी पड़ सकते हो। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखोगे तो आपके पास 2.5 से 3 महीने ही बच रहे हैं, 1 महीना इन्हीं सब में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अपने टाइम का सदुपयोग करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या अभी आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखो, तभी आप समझ पाओगे, तभी आप गणित में 100 में से 100 नंबर ला पाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, और वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेक कर लेना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिसोर्सेज की, तो 3 चीज़ मैं हमेशा बोलते हुए आ रहा हूँ, ये आपको पढ़नी है। सबसे पहली है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है क्वेश्चन बैंक। देखो क्वेश्चन बैंक अगर आप कर रहे हो तो आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके जगह आप क्या कर सकते हो, मॉडल पेपर कर सकते हो। मॉडल पेपर कौन से वाले, क्योंकि जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं ना वो चैप्टर वाइज इन क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं, आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन बैंक की वीडियो बना रखी है, पुराने वाले उसको आप देख सकते हो, नई वीडियो भी 1-2 दिन के अंदर आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कवर करेंगे, और वो वीडियो हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मॉडल पेपर करो, मॉडल पेपर के साथ साथ आप PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसको जरूर लगाओ। ये 3 रिसोर्सेज हैं, सबसे रामबाण बोर्ड एग्जाम में, इसके अलावा आपको और कुछ भी दूसरी किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी जब भी पढ़ोगे आप, प्रश्नावली और उदाहरण, उदाहरण बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नावली प्रश्नावली पढ़ते हैं, उदाहरण स्किप कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज्यादा आते हैं। और ये भी मैं बता दूं कौन से उदाहरण ज्यादा आते हैं, विविध उदाहरण, विविध उदाहरण सबसे ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक। और क्वेश्चन बैंक करना है, देखो ये तो सेकंड प्रायोरिटी है, अगर आपकी एनसीईआरटी ही ढंग से क्लियर नहीं हुई है तो आप क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर करने की गलती मत करना, क्योंकि जब आपके जड़ ही कमज़ोर होगा तो आपके ऊपर अगर ये मैं भार डाल दूंगा तो पेड़ धड़ाम से गिर जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी में क्या रखना है कि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली उसके बाद इन पे आ रहे हो, ऐसा मत करना। एनसीईआरटी को आपको ढंग से रिवाइज करना है पूरी अच्छी तरीके से। जब आपको लगे कि मेरे को एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आ गया है, हर उदाहरण आ गया है, मेरी अच्छी तरीके से रिवीजन हो गई है, क्योंकि जितना आप जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपको और मजबूती मिलेगी खुद में, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पूरा वीडियो देखना, तभी इस चीज़ें समझ पाओगे। एनसीईआरटी को कम से कम नहीं तो 5 बार पढ़ना है, 5 बार पूरी रिवीजन करनी है, कम से कम 5 बार तो करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप एनसीईआरटी कर लेते हो उसके बाद क्या करना है, जैसे एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली उसके बाद भी आपने फटाफट रिवाइज कर, रिवीजन जितना करोगे उसके बाद अगली बार आपका टाइम कम होता रहेगा, ये आपको पता है। रिवीजन में क्या होता है, एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार जब पढ़ते हो, अरे यार ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये हो जाएगा, जिसमें थोड़ा डाउट रहता है उसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं, यही होता है ना, ये दिमाग में रखना। अगली बार जब 2 बार आप ऐसा पढ़ लोगे तो उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने एनसीईआरटी का ये चैप्टर रिवाइज कर लिया पहला वाला, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठा लो और उसी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद ही मॉडल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, जो उस पे हाथ लगाना है,
क्योंकि ये पेपर पूरे सिलेबस का होता है। आपने 5 चैप्टर पढ़े हैं और पेपर करने शुरू कर दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज है 19 सितंबर, ठीक है, 19 सितंबर आज है और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि सर हमारा सिलेबस कब तक ख़त्म होना चाहिए। अगर आप स्कूल कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग के भरोसे बैठे हो तो देखो स्कूल कैसे चलता है वो तो आपको बताइए, वो तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो सिलेबस एकदम फरवरी के लास्ट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो उसके चक्कर पे तो आप मत रहो। आप ऑफलाइन में जाओगे, ऑफलाइन के टीचर इतने बदमाश होते हैं क्या बताऊँ, वो बच्चों को एकदम लटका के रखते हैं कि भाई बच्चा अगर मैं उसको सिलेबस ख़त्म करवा दिया तो बच्चे चले जाएंगे, उसकी रोजी रोटी ख़त्म, तो वो भी अपनी जगह सही है, तो वो लटका के रखेगा तुम्हें। तुम कोचिंग के भरोसे रहोगे ना मेरे भाई, तुम वहीं पे पूरा लटक के रह जाओगे। आज के टाइम पे रिसोर्सेज है, यूट्यूब का अच्छे से यूटिलाइज करो, हमने सारा कुछ पढ़ा रखा है, चाहे पुरानी एनसीईआरटी हो नई एनसीईआरटी हो, सारा कुछ करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी बातों पर, अगर विश्वास ना हो तो वीडियो खोल के आप देख सकते हैं। तो आपको कम से कम अक्टूबर के एंड तक पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कर देनी है, पूरा एनसीईआरटी ख़त्म करना है सिलेबस, ठीक है। और नवंबर में आपको एनसीईआरटी अच्छे से ढंग से रिवीजन कर लेनी है, जितनी बार रिवीजन आप कर पाओ, जब आप पढ़ने का जो तरीका मैं वो बता रहा हूँ, नवंबर में पूरा रिवीजन करने के साथ साथ नवंबर से ही जब आप एनसीईआरटी ख़त्म करके ना, नवंबर के से ही आपको क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज पढ़ना भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और जब ये बार बार रिवीजन अच्छे से आपने कर लिया, एनसीईआरटी उदाहरण प्रश्न सारे बना लिए, नवंबर दिसंबर और जनवरी में आपको बस क्या करना है, आपको बस PYQs करने हैं और मॉडल पेपर करने हैं, ठीक है। और ये सारे जो चीज़ आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका दोस्त आपका भाई आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चन पेपर बना रहा है, सॉल्व कराएगा। पिछले 5 साल के पेपर में सॉल्व कराऊंगा, सारे सेट्स कराऊंगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो। देखो ये चीज़ गलती करते हैं बच्चे, अगर मैंने उत्तराखंड बोर्ड का सॉल्व कराया तो बच्चे सोचते हैं ये सिर्फ उत्तराखंड का है, अगर मैंने बिहार का कराया तो बच्चे सोचते हैं बिहार का है। भाई वो जो भी पेपर बन रहा है वो आपके एनसीईआरटी बुक से बन रहा है, जो क्वेश्चन यूपी वाले के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आप बिहार वालों के लिए, एमपी वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये गलती आप करते हो मेरे भाई, इस गलती से बचो। अगर मैं कोई भी पेपर सॉल्व कराऊँ ना तो उसको भी आपको सीरियसली सॉल्व करना है। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, वही सेम क्वेश्चन पेपर आप अपने टीचर को दिखा दो, अगर वो बोलते कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो बात आपको बोल रहा हूँ आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, कुछ बातें मैं आपको बोलूँगा ना कड़वी लग सकती है, लेकिन आपका भाई हूँ मैं, आपको अपना परिवार मानता हूँ, तो आपके भले के लिए ही बोलूँगा, ये चीज़ जान लो आप, ये चीज़ आप जान लो, ठीक है। तो आज जी जान से जुट जाओ, मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको करनी है। और दिसंबर में और जनवरी में ना आपको जब आपका ये पूरा बन जाए, बीच बीच में ये भी रिवाइज करते रहना है, और PYQ क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर इन्हीं पे ज़्यादा जोर लगाना है। और जब भी आप पढ़ने बैठो आपको एक चीज़ ये करनी है, क्या करनी है कि जैसे आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट स्टडी अब से करना स्टार्ट कर दो। हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो फिक्स है, इन पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो हर चैप्टर का क्या करना है, जो टॉपिक पे क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, देखो नोट्स ज़रूर बनाने हैं, नोट्स बनाओ। स्पेशली इस टाइम पे आपको कौन से नोट्स बनाने, जो PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जो मैं अपने वीडियो में करा रहा हूँ, उसका नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि मैथ में आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा जब आप खुद क्वेश्चन को नोट्स बनाओगे। बच्चे क्या करते हैं, सर यहाँ करा रहे हैं, बच्चे रफ कॉपी में लिख रहा है, लेकिन बच्चा क्या नहीं करता, बच्चा घर पे जाके फियर कॉपी नहीं बनाता। मैंने बनाया है फियर कॉपी मेरे भाई, ट्रस्ट में मेरे पे विश्वास करके, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन भी लिखना है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन भी लिखना है और फिर सॉल्यूशन करना है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपका रिसोर्स बनेगा एक चीज़, और इंटरेस्ट भी बनेगा, साथ ही साथ जब आप पेपर के टाइम रिवाइज करोगे तो फट से समझ में आओगे, क्योंकि खुद का लिखा हुआ फट से समझ में आता है, ये मानते हो आप। तो जब भी पढ़ना है तो चैप्टर वाइज नोट्स बनाने, टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन जो बार बार आते हैं उनको तो जरूर इंक्लूड करो अपने नोट्स में। साथ ही साथ आपको एक शीट बनानी है पॉकेट नोट्स वाली, जिसमें आपको चैप्टर वाइज जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला शीट बना लो, फॉर्मूला चार्ट बना लो,
चार्ट बनाना है बड़ा बड़ा करके अपने दीवार के सामने चिपका दो, पॉकेट नोट्स बनाओ, कहीं पे चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम निकाला, एक बार पढ़ ले। चैप्टर वन का ये फॉर्मूला है, स्वतुल्य ऐसे होता है, सम्मित ऐसे होता है, संक्रामक ऐसे होता है, सन इनवर्स का रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है, ये टेन इनवर्स एक्सपर्ट इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है। चलते फिरते जब दो चार बार देखते रहोगे ना हमेशा, वो आपके दिमाग में बैठता रहेगा। ठीक है, मैं अपने टाइम पे ये सब करता था, मुझे किसी ने बताया नहीं, ये खुद से दिमाग में आता है। तो छोटे पॉकेट नोट्स कैरी करो, कोई क्वेश्चन जो तुम्हें जब भी आप पढ़ते बैठते हो, तो हर बच्चा इक्वल नहीं है, किसी को कोई क्वेश्चन ईजी लगता है, किसी को कोई क्वेश्चन टफ लगता है। जो क्वेश्चन तुम्हें ईजी लगता है वो तो अच्छी बात है, उसको और स्ट्रांग बनाना है। कोई क्वेश्चन तुम्हें जो थोड़ा टफ लगता है उस क्वेश्चन का ही एक पूरा लिख लो, क्वेश्चन को ही अपने तरीके से पूरा सॉल्यूशन करके पॉकेट में लिख लो। हर चैप्टर में दो चार क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहे होंगे लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसकी अलग से एक नोटबुक बना लो, एक पन्ने के हिसाब से लिखो। आज चैप्टर वन का पॉकेट में घुसा लिया, स्कूल में चले गए, दोस्तों से डिस्कस कर लिया, उसने समझा दिया तो ठीक, हमसे देखोगे तो कोई डाउट्स रहेगा ही नहीं। और उसके बाद कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तो वो देख लिया भाई ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है फ्री में, वहाँ पर नोट्स वगैरह डेली क्वेश्चन पेपर डालता हूँ, आज भी मैंने एक डाला है, जाके देख लो। तो नोट्स बनाना है, फॉर्मूला शीट बनानी है, ठीक है, ये चीज़ करना है। हर हफ्ते हर संडे आप अपने हैबिट में डाल लो कि मुझे चैप्टर वाइज, ठीक है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हर संडे एक आज पहला चैप्टर पढ़ ले, पहले चैप्टर का टेस्ट देना है। तुम बोलो तो मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगा टेस्ट पेपर का, ऑनेस्टली टाइम दे दूंगा, खुद से सॉल्व करो और फिर मुझे पीडीएफ भेजना, मैं खुद चेक करके तभी बताऊंगा तुम्हारा कितना सही है, कितने नंबर आ रहे हैं, फ्री है, इसके लिए मुझे कोई रुपये नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, बहन मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ। जितना मेहनत अपने मैं अपने छोटे भाइयों के लिए करता हूँ ना, उतना भाई मैं आपके लिए भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है मेरे भाई, कोई पेड कोर्स नहीं है। 2.34 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं लेकिन मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। मैं बहुत लालची इंसान हूँ, किस चीज़ का, आपके प्यार का, ठीक है, मुझे इस चीज़ का बहुत लालच है। ठीक, संडे को डेली टेस्ट दो, टेस्ट देने से क्या होगा, टेस्ट देने से आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप पढ़ के जाओगे तो आप रिवाइज करोगे, और इस बीच में आपका अर्धवार्षिक पेपर होगा, प्री बोर्ड होगा, हर एक एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, सीरियसली अटेंड करना है, टेस्ट भी हो रहा है तो उसको भी सीरियसली देना है, जी जान लगा के मेहनत करके देनी है। ये नहीं इसके नंबर तो नहीं जुड़ेंगे, मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो बोर्ड एग्जाम में पढ़ूंगा, उसके नंबर ही जुड़ते हैं, मैं तो आज घूमने जाऊंगा कल से पढ़ूंगा। एक क्या करते हैं बच्चे, किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, अरे भाई दबा के पढ़ लिया, आज पूरी रात मेहनत कर ली, ठीक है कल भी पढ़ लिया, और अगले दिन सुस्त, फिर घूम रहा है, फिर बकैती काट रहा है, रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम देख चला रहा है, यही सब में टाइम पास हो जा रहा है। टाइम पास में मजे बहुत आते हैं और यही मजा आगे जाके सजा बनेगा, ट्रस्ट मी गाइस। आज जो मजे तुम्हें आ रहे हैं ना, अगले कुछ सालों बाद रोने को रोओगे तुम, और फिर सोचोगे काश उस टाइम में मेहनत कर लेता, काश पढ़ लेता, बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, काश यार मैं थोड़ा पढ़ लेता तो मेरे अच्छे नंबर और आ जाते। तो वो काश वर्ड आपके माइंड में ना रहे, रिग्रेट लाइफ में रह रहे, उसके लिए आज हमें जी जान से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, हर संडे को आपको टेस्ट देना है, पहले तो हर संडे चैप्टर वाइज टेस्ट दो, जब सारे चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाए फिर दो दो चैप्टर का मिला के दो, तीन तीन मिला के दो, ये टेस्ट रेगुलर देते रहना है। जो एग्जाम फियर होता है वो आपके मन से दूर हो जाएगा, जितना आप रिवाइज करोगे आपका, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है भाई मेरे, 3 घंटे में सोल्यूशन नहीं हो पाता है, आपको क्वेश्चन सारा आएगा, मैं बताता हूँ सारा आएगा, लेकिन 3 घंटे में पूरा पेपर नहीं कर पाओगे अगर आप अभी से रिवाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्वेश्चन आपको सारा आता है, होगा नहीं सारा, लेकिन वही बच्चा सारा कर पाएगा जो बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है। तुम करोगे क्वेश्चन 5 मिनट में, और एक बच्चा जो 3-4 बार रिवाइज कर चुका है, बार बार टेस्ट देता, वो 2 मिनट में निपटा देगा। तुम भी 2 मिनट में निपटा सकते थे, तुम अगर बार बार उस प्रश्न को पढ़ रहे होते, कर रहे होते, टेस्ट दे रहे होते। कई बच्चा ऐसा होता है एकदम फ्रेश, कभी टेस्ट नहीं दिया उसने, कुछ नहीं दिया, अरे भाई मुझे तो सब आता है, चले गए बड़े विद्वान बन गए बोर्ड के पेपर में, पेपर देने बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम हॉल में। एग्जाम में हॉल का प्रेशर ही एक अलग होता है, अलग लेवल का होता है, वहां पर ना सिट्टी पट्टी गुल हो जाती है, जो चीज आती है वहां पर हम भूल जाते हैं। कई बार देखा होगा ना, जब आप एग्जाम से बाहर आते हो, बच्चे बोलते यार ये तो मुझे आता था, थोड़ा समय मुझे मिलता था मैं कर देता, अरे यार अभी आ रहा है, उस टाइम पर दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रेशर होता है एग्जाम का। एग्जाम प्रेशर से तुम्हें अगर बचना है तो रेगुलर आपको टेस्ट देना है, रेगुलर, ठीक है, ये चीज हो जाए। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, अब मैं थोड़ा एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, क्या करो, आपके पास
मैंने अभी एक चीज़ बोला है आपको, एक चीज़ बोला, क्या बोला है कि हर चैप्टर में आपको एक दो चार टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो श्योर है उनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ ना हो उनको तो अच्छे से कर ही लेना है, ठीक है। जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो आपको ऐसी वीडियो रेगुलर बेस पर मिलती रहती है। और जो मेरी वीडियोज़ आने वाली है, दो दिन के अंदर ही मैं बनाने वाला हूँ, PPT मैंने बना दी है, सिर्फ PYQ रखा है मैंने, ठीक है, चैप्टर वाइज। उसमें ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, बड़े बड़े सारे क्वेश्चन रखे हैं, उनको कर लेना, कुछ करो ना करो NCERT के साथ उनको तो ज़रूर करना है, कि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, पिछले साल भी कराए थे, बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं, उनको ज़रूर करना है। तो मेन चीज़ क्या करनी है, हमेशा नोट्स बनाना है, ठीक है, फॉर्मूला शीट बनानी है, ठीक है। नंबर तीन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं, जो बार बार आ रहे हैं, जो आपको टफ लग रहा है, उसकी एक अलग से कॉपी बना लो, ठीक है। आपको क्या करना है, रेगुलर बेस पे रिवीजन करते रहना है, ठीक है, टेस्ट आपको रेगुलर बेस पे देते रहना है, ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। और एक चीज़ ये करनी है, देखो मैं आपको बता दूँ, आपके पास आप क्या कर सकते हो, खुद को एक टास्क देख सकते हो कि मुझे एक चैप्टर 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं हो कि आपने बिल्कुल पढ़ाई की ही नहीं है, कि ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बस 4 महीने बचे हैं। अगर अब भी आप नहीं पढ़ोगे, अभी भी आप मुंह पे पानी मारो मेरे भाई, पढ़ लो, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, तुम खुद सोचो यार, खुद एक बार सोच के देखो, अब नहीं तो कब, प्लीज़ थोड़ा उठो और एक टास्क दो खुद को कि मुझे एक चैप्टर 3 दिन में निपटाना है, 3 दिन में। जो चैप्टर बड़े हैं उनको 5 दिन का समय दे दो, ठीक है। जो सबसे बड़े चैप्टर हैं वो मैं आपको बता दूं, 6ठा चैप्टर और 7वां चैप्टर, ये सबसे लेंथी चैप्टर हैं, इनको आप 2 हफ्ते मान लेते हैं, 2 हफ्ते में निपटा रहे हो, बाकी सब सारे चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं, 3 दिन में 2 दिन में 1-1 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे NCERT एक रिविज़न के लिए वीडियो, पर डे 3 से 4 दिन में निपट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, रिसोर्सेज मैंने बता दिए हैं, तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सारे वीडियोस रेगुलर बेस पे आ रहे हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारा कुछ फ्री में भी दे रहा हूँ, प्रीमियम से प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ, जो लोग पेट में भी नहीं देते ना उससे मैं बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ। और मेरे जो वीडियोज़ हैं मैं सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए हैं, UP हो, बिहार हो, MP हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, किसी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जय हिंद।